morning. क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? मेरी पड़ोसना जी लप्पी लूसरा, उसने कहा जी मामला थोड़ा कम हो रहा है, जरा ध्यान दूं इसके लिए। Trying to look young. Yeah, this one. Hi, how are you? बुड्ढी हड्डियों में वैसे जान नहीं है कि एक छोरी से हाथ मिला लें। वैसे खेती बिल्कुल डिंपल कपाड़िया की तरह लल्ला लल्ला। वाह, मैडम नहीं कुछ नहीं भाई, कुछ लोग जो है खंडर पे लीपा पोती करके बाहर से उसको सजा के ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसी गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि इमारत अभी नहीं है, बल्कि ऐसा है नहीं, ये किसी भी वक्त ढह के गिर सके। पर सच इज लाइफ, धोखाधड़ी में जीवन निकल रहा है बचा कुचा। तू लेट क्यों आया? मैडम मैं तो एकदम स्पीड में स्कूटर चला के आ रहा था मैडम, बस रास्ते में एक बड़ी सी ट्रक ने मेरे छोटे से स्कूटर को ऐसे मार दिया और मैं गिर गया मैडम रोड पे, और ये एकदम चोट। यो जो थर्ड क्लास बहाने हैं ना, यो थर्ड की क्लास में मैं अपने मास्टर को देती थी, वो मास्टर जी जो बिग लगा के आते थे, झुर्रियों वाले मास्टर जी, मास्टर जी जिनके कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिनके घुटने दर्द करते थे, हिलते थे मास्टर जी के, पोपले मुंह वाले मास्टर जी, न्यू हेयर स्टाइल वाले मास्टर जी, कॉलेज की लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में होते थे मास्टर जी। कल से टाइम पे आई हो तू? वरना एटलीस्ट बहाना ढंग का सोच के आ, चेपी मार के। मास्टर जी ओल्ड एज होम में एक बेड खाली है। आइए आइए। जी मैडम मैं जिंदा हूँ। तो मार दे। अरे नहीं आप समझे नहीं, मैं उस तरह से जिंदा नहीं हूँ। तो तुम किस तरह से जिंदा हो? अरे देखिए मेरा नाम है जिंदा, जिंदा जबलपुरिया, पुरिया खुल गई। ओ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर हमारी मैडम क्या पंसारी हैं जो तुम्हारी खुली हुई पुड़िया को बंद करेंगी? कौन सी पुड़िया है, कैसे खुल गई, और ऐसा कौन सा जीनी निकल के उड़ गया थारी पुड़िया में से जो तू रोता बात चौक की में आ गया? Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम is the। देखिए दादाजी कुछ फायदा नहीं हुआ, बताओ यार। मैडम मेरी खुशियों की पुड़िया खुल गई और खुल के मेरी खुशियां उड़ गई, पुड़िया खुल गई। मैडम आज मैं बहुत परेशान हूँ, मैडम इतना परेशान हूँ कि मैं सोच के आया हूँ कि अगर आपने मेरी परेशानी का हल नहीं निकाला तो समझिए पुड़िया खुल गई। Well bro, what is the matter is the तुमने भेजा है अपनी पड़ोसन को लव लेटर is the no, no. बस ये यही बात, बस यो बात जो है ना, आप गुलगुले तू करेगा या मैं करूं तो हमारी एज पे शोभा नहीं देगी। ये शोभा देगी किसी यंग, मतलब इसके मुंह से शोभा देवे, टीनेज टाइप हैं,
कि लव लेटर में गुलाब जल और पत्थर में चिट्ठी बांध के खिड़की पे मार दी है। यो सारी एकदम यंग रोमांस, एकदम दिल, एकदम लौंडागिरी जो है यंग आदमी पे सूट करे। बिल्कुल जैसे एकदम वे नाइस हेयर स्टाइल, परफ्यूम वगैरह छिड़क के निकले हैं एकदम बाइक पे, लल्ला एकदम जिंदगी सफर सुहाना है। लड़कपन की बातें हम पे सूट ना करेंगे बिल्कुल ना। कूल डूड, यो कैरी ऑन। देखो यार, जो भी मैटर है वो जरा खुल के, मतलब तोड़ के, मरोड़ के, निचोड़ के, झिंझोड़ के हमारी मैडम के सामने फटाफट बोल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का आलू कचालू के साथ मिल गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की उबलते आलू की खोलती कचौड़ी, मेरा मतलब है अड़ियल जड़ियल तमतमाती घोड़ी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे। अरे मैडम, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, पुड़िया खुल गई। अबे तो भाई तो जानना चाह रहे हैं, हैं क्यों लिखाने आया है एफआईआर, किसके खिलाफ लिखाने आया है? आया नहीं मैडम, माया, उसका नाम है माया। वेल हु इज द ही इज द है शी या दिस वन माया, मेरी बीवी। तो माया तुम्हारी बीवी और तुमको उसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी का नाम तो छाया है, छाया। किसकी छाया? अरे मेरी छाया और किसकी छाया? ओ माय गॉड, हर वाइफ इज शेड इज द शैडो या दिस वन। देखिए मैडम, मेरी बीवी छाया की एक बहुत पुरानी फ्रेंड माया, जिसकी जॉब इस शहर में लग गई है मैडम, पुड़िया खुल गई, वो हमारी बिल्डिंग के 10वें माले में रहने के लिए आ गई है। He is butterfly. Beautiful. Yeah, this one. देखिए मैडम, मैडम ये जो माया है ये 10वें माले में रहती है और मैं मैडम फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ मैडम। जब से ये आई है मैडम, मैं परेशान हो गया हूं, मैं भून गया हूं मैडम, इसने मेरा सुख चैन सब छीन लिया, मैं तबाह हो गया हूं, पुड़िया खुल गई। एक मिनट यार, ऐसा क्या कर दिया उसने कि तुम बर्बाद हो गए हो, तबाह हो गए हो? देखिए 2 महीने से वो इस शहर में, और 2 महीने से रोज मेरी बीवी सुबह उठ के उसके घर चली जाती है, वहीं रहती है, वहीं नहाती है, उसी के साथ खाती है, और मैडम रोज उसी के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है, पुड़िया खुल गई। और मैडम अब तो हद हो गई, कुछ दिनों से रात को भी वहीं सो रही है, पुड़िया खुल गई। तो तैने कहानी अपनी बीवी से कि व्हाट इज नॉनसेंस? कहा मैडम, प्यार से समझाया, बैठा के बताया कि देखो शादी के पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में फर्क होता है, पुड़िया खुल गई। लेकिन वो है कि मानती नहीं है, साफ इनकार कर दिया उसने, कहती है कि नहीं नहीं मैं तो अपनी सहेली का साथ नहीं छोड़ सकती, पुड़िया खुल गई। जरा बुलवाओ इन दोनों सहेलियों ने, हम भी देखें कैसा चल रहा है आपस में इनके दोस्ताना। जय ओके। ये नए नए आए, ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी कॉलेज से निकले हैं, हवलदार सनी है? इज न्यू डूड ऑन द ब्लॉक, हॉट प्रॉपर्टी। लड़कियां पागल हो रही इसलिए निकलने ना देते हम इनको जो है चौकी से बाहर। लड़कियां बेहोश होके गिर रही हैं, खून से लिख रही हैं चिट्ठियां इनके लिए। ऑफ। काफी धीरे भागती हैं। Well mom, he is the wife is the and he is the सहेली is the। छ
छाया एंड माया बेस्ट फ्रेंड्स. यस मैडम. हाय मैम, मैं हूँ छाया जबलपुरिया. आप बड़े वो हैं. दोस्ती का कत्था, फ्रेंडशिप का चूना. मैं हूँ माया फ्रॉम पूना. अभी तो मैं कुंवारी हूँ. वैसे आप कुंवारी क्या, आप तो काफी हसीन भी हैं. जीनी 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 जीनी. हसीन क्या, आप तो नाजनीन भी हैं. अरे नाजनीन क्या, आप तो नमकीन भी हैं. अरे नमकीन क्या, आप तो नाजुक भी हैं, भोली भी हैं. यार मैं किसी को यहाँ नजर ना आ रही हूँ. नहीं, ऑफ कोर्स यू आर देयर. नहीं नहीं मैडम, आप नजर आ रही हैं. ना मैं इनविजिबल, अदृश्य तो ना हो गई. नहीं मैडम. नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब मैं मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर नहीं हो रही हूँ मैं. नहीं नहीं मैडम, क्यों? अबे तो फिर कैसे कैसे बोल रहा है हमारे सामने तू? इतनी बातें, इतनी हिमाकत, बदतमीजियां चल रही हैं बिल्कुल ही. कंफ्यूजन. वो तो मैं बस यूं. कोई डर, रिस्पेक्ट, कुछ ना ना बेच खाया सब. वो तो मैं बस केस में घुसने की कोशिश कर रहा था मैडम. तो दुनिया से ना निकल जाए तू केस में घुसते घुसते. सॉरी. वेल बेब्स. ओ सॉरी, एक मिनट, माय बैड भाई, मैं भूल गई. आप लोगों का तारुफ कराया मैंने इनसे. ये हवलदार सनी. नए नए जवान हुए हैं, मतलब नई नई जवानी इनमें कुलबुलाई है, चौंधियाई है, यौवन फूटा है. और तू तो कवारी हो रही है. ओ, ओ, ओ. मिल ले इनसे, देख ले, पसंद कर ले अगर. छी. चलो ये काम शुरू करो. देखो भाई ऐसा है. माया. और भाई तुम दूसरे शहर से आई हो यहाँ नौकरी करने, कैरियर बनाने, लाइफ बनाने. अपनी सहेली की बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हो, अच्छी बात है, दुख दर्द में सहेलियां काम आवे. लेकिन तुम यार सिर्फ सारे काम छोड़ के, अपने काम वाम से फोकस हटा के, बिल्कुल सहेली के प्रेम में इतना पगड़ा गई हो कि यो भूल गई हो इसका एक पति है. बिल्कुल दोनों सहेलियां आपस में जो है घूम रही हैं, अम्यूजमेंट पार्क में घूम रही हैं, और मेलों में जा रही हैं, और शॉपिंग करे ले रही हैं, चूड़ीदार खरीदे ले रही हैं, चाट वाट खा रही हैं बिल्कुल. अरे कंट्रोल करो जरा, पेशेंस रखो. बिल्कुल पगड़ा गई दोनों, इनसेपरेबल हो गई. ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रही है मैडम? अभी तो मैं कुंवारी हूँ. अबे तू तो कुंवारी है पर यो तो शादीशुदा है, इसका एक घर है, इसका पति है. थारे चक्कर में दोस्ती यारी में बिल्कुल भूल रखा है इसने सब कुछ. पति ने छोड़ रखा है, हैं? बिल्कुल थारे संग होली है, पति का खाना पीना उठना बैठना कुछ नहीं, एकदम बैचलर की लाइफ लीड कर रहा है इसके चलते. आप बड़े वो है. ये क्या कह रही है मैडम आप? अरे मैं काम चोर थोड़ी हूँ मैडम. मैं अपने पति की पसंद का खाना उनके लिए बना के फ्रिज में रख के जाती हूँ उसके आ जाने से पहले. हाँ मैडम, वैसे भी मेरे पति कोई बच्चे तो है नहीं कि मैं थाल निकालूं, उसमें खाना परोसूं, उन्हें खाना खिलाऊं तब जाके वो खाना खाएंगे. हाँ आप बड़े वो हैं. और वैसे भी मैडम मैं ना शादी से पहले अपनी सहेली के साथ ना कॉलेज जाती थी, उसी के साथ खेलती कूदती थी, हम शॉपिंग करते थे, कितना मजा आता था ये. और मैडम अब सोचिए मेरी शादी के इतने वर्षों बाद मेरी सहेली, मेरी प्यारी सहेली मुझे मिली है, और इसके साथ अगर मैंने कुछ घंटे बिता लिए तो क्या कोई गुनाह किया? बोलो मैडम, आप बड़े वो हैं. कुछ घंटे? अरे 2 महीने से आप इसके साथ घूम रही हैं, फिर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, जाग रही हैं, सो रही हैं, इसे आप कुछ घंटे कहती हैं? या शी इज रैट. राइट. या दिस वन. देखो भैया ऐसा है कि घर की बात घर में रहे तो सही है, लेकिन अगर बाहर चौकी तक आ जाए तो पुलिस केस हो जावे और पुलिस को फिर एक्शन लेना पड़े. भाई थारा पति आया था, उसने कंप्लेंट कराई है यहाँ कि तुम दोनों घना उसे परेशान कर रही हो, वो बिल्कुल गृहस्थ जीवन जी ना पा रहा है. भाई थारा पति आया था, उसने कंप्लेंट कराई है यहाँ कि तुम दोनों घना उसे परेशान कर रही हो, वो बिल्कुल गृहस्थ जीवन जी ना पा रहा है. तो जरा मैं वार्निंग देके तुम दोनों को यो कहना चाह रही हूँ कि यो कोई क्रिमिनल केस ना है, लेकिन एक वार्निंग समझो इसे तुम दोनों सहेलियां.
तू जरा अपने घर पे ध्यान रख, मिलना है कभी लंच वंच पे मिल लिए, कभी एक आध बार वीकेंड्स पे, संडे सैटरडे जो भी है। ओ माया, इसे तू अपने घर में ना बुलाएगी, जरा बैलेंस करो लाइफ को अपनी को। लेकिन मैडम। ए, बस लेकिन मैडम मैडम कुछ ना, निकलो चलो। चलो चलो माया, आप बड़े वो हैं। हाँ बहुत वो हैं हम। Women, I tell you. Sis, quit. She's quit. You should quit the world. She is cute. Carry on. बस एक carry on, carry on, carry on. Good morning. लप्पी लुथरा कह रही थी जी, आंखों के नीचे भी मामला जरा। टाइम पर नहीं मैडम, टाइम से 5 मिनट पहले आया हूं मैं, बिफोर टाइम, बिफोर टाइम मैडम। अबे तो के करूं मैं, बिफोर टाइम आ गया तो सेलिब्रेट करूं मैं यार, नाचू गाऊं मैं, त्योहार मना लूं मैं, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दूं, ड्राई डे मना दूं मैं, तोपों की सलामी दूं, बालकों के स्कूलों की छुट्टियां डिक्लेयर कर दूं, दुकानें बंद करवा दूं मैं, लाठी चार्ज करवा दूं, तो आ गया अगर जल्दी, अगर 5 मिनट तो। एहसानों के तले दब गई मैं थारे, तू 5 मिनट पहले एक रोज आ गया अगर गलती से। मैडम मैडम पुड़िया खुल गई। ये फिर खुल गई? हाँ हाँ पुड़िया फिर से खुल गई मैडम, कुछ कीजिए कुछ कीजिए मैडम। अबे करा तो था, वार्निंग दी तो थी दोनों लेडीज को। यस हाँ मैडम, लेकिन इस बार परेशानी ये नहीं है कि मेरी बीवी छाया अपनी सहेली माया के घर जा रही हो मैडम, परेशानी ये है कि मेरी बीवी छाया ने अपनी फ्रेंड माया को अपने घर बुला लिया और वो मेरे घर में आके सो रही है, पुड़िया खुल गई। हाँ Well, ना ना कुछ नहीं। Carry on. मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब वो माया तुम्हारे घर पे सो रही है? हाँ, और मेरे ही बेडरूम में वो दोनों सहेलियां सो रही है। hey! और मैं सो रहा हूँ हॉल में जहाँ एसी भी नहीं है, सारी रात में मच्छरों के साथ लड़ता रहा, पुड़िया खुल गई। यानी मारे समझाने का भी कोई असर हुआ ना है दोनों पे? असर हुआ है मैडम, जब मैंने उनसे कहा कि मैं जाके मैडम से शिकायत करूंगा तो वो कहने लगी हम तो मैडम के कहने के मुताबिक ही सब कुछ कर रहे हैं। मैडम ने ये कहा है कि मेरी बीवी छाया जो है वो अपनी फ्रेंड माया के घर ना जाए, पर मैडम ने ये तो नहीं कहा कि मेरी बीवी छाया अपनी फ्रेंड माया को अपने घर नहीं बुला सकती। मैडम पुड़िया खुल गई। और ये सब कुछ कह के मैडम वो दोनों सहेलियां मुझे देख देख के इतना जोर से हंसी है कि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, पुड़िया खुल गई। पुड़िया तो इन दोनों की खुलेगी, ज्यादा इतरा रही हैं, हैं? तू निकल, हम कल तक कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका निकाल के बैठेंगे, हल निकालिए मैडम, जल्दी कोई रास्ता निकालिए मैडम, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पुड़िया वाकई खुल जाए। मैडम मैं जाता हूँ, बाय बाय सनी बाय। Rockstar, the man with the band. Yo, man. ओह
My God, she's dude. Ooh. Dead. Huh? Yeah, this one. अरे यार चौकी में लाश पड़ी है और मैडम कहाँ है? अरे यार अरे वो तो जिंदा है। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे ये जिंदा नहीं है, ये मर चुका है। अबे बाबड़ी पूंछ, यो जिंदा नाम है इसका, जिंदा आया है ना चौकी दो एक बार। ओ हाँ वही है मैडम, लेकिन इसने अपने आप को मार लिया है मैडम। ये देखिए जहर, जहर पीकर इसने अपने आप को मार लिया मैडम।